इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य शनिवार को उदयपुर पहुंची, जहां वे एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे जब उदयपुर शहर विधायक प्रत्याशी के बारे में पूछा तो वे मजाकिया अंदाज मीडिया को घेरने लगे। उन्होंने कहा कि मीडिया हमेशा विपक्ष से ही सवाल क्यों पूछती है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आप मुझसे राष्ट्रीय स्तर के सवाल पूछें। इसके बाद उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में देश में अगर कुछ हुआ है तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। किसान गरीब के साथ आम आदमी इन 10 सालों में परेशान रहा है। नोटबंदी के चलते देश की जनता को लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सेवा के नाम पर राजनीति करते हैं। वहीं 3 राज्यों के चुनाव में मिली हार के पीछे उन्होंने एक बड़ा कारण ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों को बताया। उन्होंने चुनाव आयोग को केचुए की उपाधि देते हुए कहा कि देश में 19.5 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग पद की लालसा या डर से पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वे खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पंकज शर्मा, शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, प्रवक्ता पंकज जोशी सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूल गया पहले बार पर आपके खुद के जो विधायक गए थे चुनाव लड़े वो शहर को भूल गए, इस बार हम क्या कह गया? किसको भूल गए हैं? इस शहर को भूल गए आपके। आपका सवाल बड़ा मजेदार है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया भाई कि विपक्ष से ही सवाल पूछो, जबकि आज आप चौथे स्तंभ की तरह आपको सामने आपसे पूछेंगे ना, आप पार्टी के प्रवक्ता है, आपसे पूछेंगे आपके विधायक का यहाँ ऐसी चुनाव लड़े। मैं समझ गई, मैं समझ गई, समझ गई। अरे एक बात बताइए कि गौरव वल्लभ जी अगर आएंगे या नहीं आएंगे तो उसका नुकसान उनको भी होगा। यहाँ पर हमारे बाकी भाई चलिए स्लो मोटो रही है, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं आप बहुत लोकलाइज आ रहे हैं। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर 10 साल अन्याय काल के लिए आई हूँ, आप उसको अलग तरफ मत दे जाइए, आपके सवाल का जवाब अलग से। चुनाव आयोग को केचुआ कहा जाता है, पर वो कहा ही नहीं जाता है, उनका व्यवहार भी ऐसा ही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बार बार भंग करते हैं तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करता, और जब विपक्ष की पार्टियां उनसे पिछले 2 महीने से ईवीएम के ऊपर और उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मिलने का समय मांग रही है तो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास उसका समय नहीं है। और एक और खास बात, केंद्रीय चुनाव आयोग का जो चयन हुआ है अब उसकी जो प्रक्रिया में केंद्र सरकार का एक मंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मतलब ये 2-1 से पारित होगा, तो चुनाव आयोग की चयन की प्रक्रिया में ही इस तरह से जब हो गया है तो जो केचुआ, जो शब्द अगर हम केचुआ से ही ले लें तो केचुआ वही तरह की बात है कि उसमें रीढ़ की हड्डी का कोई सवाल दिख नहीं रहा है। ईवीएम को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, 2 राज्यों में आप हार गए, तो मतलब ईवीएम का किस तरह से आप गड़बड़ी मान रहे हैं? निसंदेह 2 राज्यों की हार के कारण नहीं कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि 19.5 लाख अगर ईवीएम गायब हैं और जिन ईवीएम में 99% बैटरी थी उन्हीं में केवल कांग्रेस की हार हुई है, जिनमें 60%, 67%, 70% थी उन सभी में कांग्रेस जीती है। ये भी एक मुद्दा बनता है कि क्या वो रिप्लेस्ड ईवीएम्स हैं, ये सारी सोचने की बातें। इनकी पड़ताल तब हो सकती है जब सच में ईडी या इलेक्शन कमीशन या सीबीआई इस पर इंक्वायरी करे। इंक्वायरी ही नहीं हो रही है तो क्या कहा जाएगा इस पर? एक तो नेता पार्टी छोड़कर जाए तो समझ में आए, लेकिन बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो इसमें क्या कमी आप मान रहे हैं कांग्रेस? मैडम इसके साथ एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह से इंडिया एयरलाइंस से इसके पार्टियां अलग हो रही है, नीतीश कुमार अलग हो गए, अखिलेश जो कह रहा है वो अब कांग्रेस को बहुत कम सीटें देंगे, उधर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे सीटें नहीं है, तो ऐसे में क्या रुख रहेगा कांग्रेस के से बड़ा इलेक्शन? ठीक, पहली बात तो नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, उसमें नेताओं का दोष तो जितना है उससे ज्यादा उसका दोष है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये हमें समझना पड़ेगा कि खरीद फरोख्त की ये राजनीति, जिसमें से एक हिस्से पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार कर दिया है, इसी तरह से ये जो लोगों को लालच में लेकर जाया जा रहा है ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। और डर से,
लालच से या पावर की तरफ होने के कारण अगर लोग जा रहे हैं तो वे जाएं, लेकिन आज जो लोकतंत्र की स्थिति है इसमें मीडिया का, ऐसे नेताओं का और देश की उस जनता का जो आज भी अपने सरोकार नहीं समझ पा रही है, जिम्मेदारी सभी की बनती है। टोरेन वर्ल्ड स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी से कक्षा पांचवी तक CBSE कोर्स, एडमिशन ओपन, मल्टी मॉडल लर्निंग, पियर्सन पाठ्यक्रम, NEP और NCA, उच्च योग्यता और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, कम फीस शुल्क संरचना जो सभी लोगों के लिए आसानी से प्रबंधन की जा सकती है, घर जैसा माहौल, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान, CCTV कैमरे और स्मार्ट क्लासेस, आपके अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और स्वच्छता से परिपूर्ण विद्यालय, बच्चों को मात्र शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ बालक को सर्वांगीण विकास भी दे रहा है, जैसे व्यायाम, म्यूजिक, डांस, कराटे, आर्ट एंड क्राफ्ट, परिवहन सुविधा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दैनिक अपडेट भी प्रदान कराते हैं। टोरेन वर्ल्ड स्कूल, 201 सी ब्लॉक, हिरण मगरी, सेक्टर 9, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9587290784।